हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सेक्रेट इंटरनेशनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कनाडा जाने के लिए सोच ले हैं और कनाडा में हैं, उन लोगों के लिए भी है ये न्यूज़। सो इस न्यूज़ को आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट विद द वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस रिगार्डिंग योर वीजा, इफ इट इज रिलेटेड टू कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए और एनी अदर कंट्री, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप योर प्रोफाइल, व्हाट्सएप योर स्टेटस ऑन आर number mentioned over here. We will help you out in every aspect. Whatever your question is, just WhatsApp us. We will be very happy to help you out. So let's start with the video. Latest, अभी कुछ देर पहले ही एक update आया है Canada की तरफ से, जो कि है international students के लिए, जो वहाँ पर already हैं और जो जा रहे हैं और next जो जाएंगे, ये उन लोगों के लिए है। और video end तक जरूर। और ये न्यूज़ आपके वर्किंग आवर्स के बारे में है। जैसे कि पिछले दिनों में ऑस्ट्रेलिया ने अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए थे, लाइक अगर वहाँ पे कोई पढ़ने के लिए जाता है एज इंटरनेशनल स्टूडेंट तो वो फुल टाइम वर्क कर सकता है। वैसे ही कनाडा की तरफ से भी एक अपडेट है, अब कनाडा ने अलाउ कर दिया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। फुल टाइम इन द सेंस दे कैन वर्क अनलिमिटेड इन अ वीक। पहले इसकी लिमिटेशन थी कि वो 20 आवर्स ही वर्क कर सकते थे इन अ वीक, अब ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, नाउ दे कैन वर्क ओवर 20 आवर्स इन अ वीक। तो ये जो रूल है ये किन लोगों के लिए लागू होगा और कब से लागू होगा और कब तक लागू होगा, इस चीज़ को आपने माइंड में ज़रूर रखना है। जो लोग कनाडा में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 15, 2022 से लेके 2023 तक, सो ऐसा मत सोचिएगा कि ये अनलिमिटेड एवरी टाइम आपको मिलेगा। अभी स्टिल एट द मोमेंट उन्होंने एक साल के लिए किया है, होपफुली ये इसी चीज़ को आगे और बढ़ाएंगे। सो अब आपको बताता हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है ये ऐसा काम करने का। कनाडा में आज की तारीख में लेबर शॉर्टेज बहुत जरूरी है और कनाडा नो कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं दे हैव गुड कैलिबर टू वर्क लॉन्ग आवर्स एज कम्पेयर टू द सिटीजन्स लिविंग ओवर देयर। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि उनको पता है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी मेहनत से काम करते हैं, सो इन ऑर्डर टू फुलफिल द लेबर शॉर्टेज वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकें। सो दे आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू वर्क अनलिमिटेड इन अ वीक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। विश यू वेरी बेस्ट, जो भी कनाडा का वीज़ा मिल गया है जिन लोगों को और जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं और अपनी लाइफ वहाँ पे जाके सेटल करें। बट आई वुड सजेस्ट कि आप काम से ज़्यादा अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। इट्स ओके, लाइक यू आई अंडरस्टैंड डेट यू हैव टू पे योर एक्सपेंसिस, बट यू शुड फोकस ऑन स्टडीज़ एज वेल, बिकॉज दिस इज वॉट दैट इज़ गॉन टू हेल्प यू इन सेटलिंग इन कैनेडा वाइल यू विल बी अप्लाइंग फॉर PR. So this was all about the video. If you like this video, do hit the like button. And if you're new to this channel, do subscribe my channel and press the bell icon so that you can get whatever immigration update I do on the YouTube video. In most cases, my update is on the first level. I mean to say I am the first person to update on YouTube. So do subscribe my channel and press the bell icon. So thank you for watching this video. Stay fit and stay healthy.